स्वागत है आपका क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट टॉप 5 न्यूज की एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं पांच बड़ी खबरें जो कि क्रिकेट से रिलेटेड आई हैं पिछले एक दो दिनों में। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाए। दोस्तों सबसे पहली खबर जो है वो है दिल्ली कैपिटल्स से रिलेटेड, जहां पर अच्छी खबर है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जहां पर इनके ओपनर बैट्समैन पृथ्वी शाह जो है बैन के बाद पहली बार वापसी करते हुए हमें नजर आए, जहां पर पहले ही मैच में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल की 50 जो है वो लगाई पृथ्वी शाह ने। आशा करते हैं यही फॉर्म जो है इनका बरकरार रहे और आईपीएल 2020 में भी जो है हमें देखने को मिले। दूसरी खबर जो है वो है दोस्तों गौतम गंभीर और एमएस धोनी कंट्रोवर्सी को लेकर, जहां पर दोस्तों गौतम गंभीर ने यहां पर एमएस धोनी को जो है वो ब्लेम किया है उनके 100 ना बनाने पर 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में। जी हां दोस्तों, 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 रन गौतम गंभीर ने बनाए थे, और उन्होंने यहां पर एक अजीब सा तर्क जो है वो दिया है कि क्यों वो 100 नहीं बना पाए, जहां पर उन्होंने कहा कि एमएस धोनी ने उन्हें कहा जब वो 97 पे थे कि आप अपने 100 पे ध्यान दीजिए, 3 रन बनाइए। उससे पहले वो ये नहीं सोच रहे थे अपने 100 का, वो टारगेट चेस करने का सोच रहे थे, और जब एमएस धोनी ने उन्हें बोला कि आप अपने 100 पर ध्यान दीजिए तो वो जो है इसी चक्कर में आउट हो गए। ये बड़ा ब्लेम जो है वो किया है गौतम गंभीर ने एमएस धोनी को। अब इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। बात करें दोस्तों तीसरी खबर की, तो तीसरी खबर है राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि खबरें निकल कर आई थी कि एविन लुइस जो है वो आरआर की टीम में आ चुके हैं ट्रेड होकर, कई सारी वेबसाइट पर भी ये खबरें हमें देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों ये ट्रेड जो है वो हुई नहीं है, कैंसिल हो चुकी है। पता नहीं रीजन क्या था इसका, लेकिन ये ट्रेड जो है वो कैंसिल हो चुकी है, और एविन लुइस को मुंबई इंडियंस की टीम ने रिलीज किया है, वो हमें ऑक्शन में नजर आने वाले हैं, तो कोई भी ट्रेड एविन लुइस का जो है वो नहीं हुआ है। चौथी खबर की दोस्तों बात करते हैं, जहां पर बात करते हैं डेल स्टेन की। दोस्तों डेल स्टेन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रिलीज कर दिया है, वो आने वाले हैं ऑक्शन में, और ऑक्शन से पहले उनके एक फैन ने जो है उनसे पूछा कि वो कौन सी टीम से खेलना चाहेंगे आईपीएल 2020 में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सिंपल सा जवाब दिया कि जौन सी भी टीम उन्हें एफर्ट कर सके वो उस टीम से जो है खेलना चाहेंगे आईपीएल 2020 में। दोस्तों इसके बाद एक और फैन ने उनसे सवाल पूछा कि क्या वो मुंबई इंडियंस से खेलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुंबई इंडियंस की टीम चाहती है तो वो मुंबई इंडियंस के लिए खुशी से जो है वो सर्व करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों डेल स्टेन ने अपनी मर्जी जो है वो बताई है, जहां पर वो किसी भी टीम से खेलना चाहते हैं जो टीम उनको एफर्ट जो है वो कर सके। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम खरीदेगी डेल स्टेन को, किस टीम से खेलेंगे आईपीएल 2020 में, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दे। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवी खबर की, जहां पर हम बात करते हैं टीम इंडिया के पहले डे नाइट टेस्ट मैच की। तो दोस्तों टीम इंडिया अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेलने वाली है 23 नवंबर से, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है, जहां पर पिंक बॉल का यूज किया जाएगा, डे नाइट ये टेस्ट होने वाला है, और टाइमिंग जो है वो दोस्तों चेंज हो चुकी है। नई टाइमिंग की बात करें तो 1 बजे से मैच जो है वो शुरू होगा। नॉर्मली दोस्तों 9:30-10 बजे जो है टेस्ट मैच शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये डे नाइट टेस्ट मैच है ऐसे में ये मैच जो है 1 बजे से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये पांच बड़ी खबरें जो है वो निकल कर आ रही थी जो कि हमने आपको दी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।